फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, द फन डे हैड। मतलब ये बिहाइव का चैप्टर है। अगर आपको ये मूवमेंट का चैप्टर फर्स्ट चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर लीजिए और समझ लीजिए। बिहाइव का ये चैप्टर है, वो मूवमेंट का चैप्टर था। तो इस चैप्टर के मीनिंग से ही समझ में आ रहा है, द फन डे हैड, मतलब इस चैप्टर में बहुत ही फन है। वे फन को, फन के पास रहते हैं, वो फन को एब्जॉर्ब करते हैं। वे, अब वे कौन है ये तो चैप्टर पढ़ने पे ही पता चलेगा। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, हम लोग इसको पहले इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, तब हम लोग को चैप्टर पढ़ने में आसानी होगा। तो द स्टोरी वी शेयर, मतलब ये बताती है स्टोरी, इज सेट इन द फ्यूचर, मतलब ये स्टोरी फ्यूचर के बारे में बता रही है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, मतलब बुक्स और स्कूल जो होंगे वो शायद, परहैप्स, ये कन्फर्म है, इसको इमेजिनेशन भी कह सकते हैं फ्यूचर के लिए, इसको रियल भी कह सकते हैं, आप जो मानिए। परहैप्स लगा मतलब शायद, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब जो बुक्स होंगे, स्कूल होंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब अभी हम लोग जैसे किताबें पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो सब बदल जाएगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, मतलब जब स्कूल नहीं रहेगा, किताबें नहीं रहेंगे, तो स्टूडेंट चिल्ड्रन कैसे अपना स्टडी करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। डायग्राम बिलो, मतलब ये शो कर रहा है, इस डायग्राम को आप देखिए, ये डायग्राम शो कर रहा है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कुछ आइडियाज दे रहा है। तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर से पढ़ेंगे। वर्चुअल, उन लोग का एक रूम होगा, वर्चुअल क्लास रूम होगा, जिसमें अकेले वो रहेंगे, अपना रोबोट ओबर रखे रहेंगे, रोबोटिक टीचर होंगे। मूवी है टेस्ट, मतलब अपना टेस्ट जो है, अपना पेपर जो है, वो कंप्यूटर पे देंगे। इन पेयर्स, हम लोग इसमें यह हुआ, इस पॉइंट में बताया गया, डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट, मतलब ऐसा थिंग्स जो आप लोग स्कूल के लिए अच्छा समझते हैं, आपके लाइफ के लिए, स्कूल के लिए क्या अच्छा है, वो थिंग्स आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। एंड थ्री थिंग्स जो आप स्कूल के लिए चेंज करना चाहते हैं अपने अनुसार, वो भी आप कमेंट करके बताइए। मतलब इसमें लिखा, लाइट देम डाउन। हैव यू एवर, कभी कभी हम लोग देखेंगे कि वर्ड्स जो हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पे आएंगे, मतलब टेलीविजन कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे। कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं जब सभी बुक्स जो होंगे वो विल बी ऑन कंप्यूटर्स, देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, मतलब कोई बुक्स जो होंगे पेपर पे नहीं पढ़े जाएंगे। हम लोग भी, बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं, कंप्यूटर से करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन बुक्स अवेलेबल है, लेकिन इन फ्यूचर जब बुक्स नहीं होंगे तो स्टडी करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, मतलब यही बताया गया, अगर प्रिंटेड बुक नहीं होंगी तो आप ऐसे बुक्स क्या करेंगे, और अपना बुक जो आप अभी प्रेजेंट पढ़ रहे वो लाइक करेंगे, तो यही बताएगा। अब यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट है, यही समझने की बात है। मार्गी जो है एक गर्ल्स है, वो जो है अपने डायरी में कुछ लिखती है, नाइट में, रात में अपने डायरी में लिखती है। ऑन द पेज हेडर 17 मई 2157, इस टाइम पे लोट टूडे टॉमी फाउंड, मतलब टॉमी ने, एक लड़का है, उसका भाई है, लड़का है, बच्चा है, उसने फाउंड किया ए रियल बुक, उसने एक रियल बुक फाउंड किया, वो एक डायरी में लिख रही है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, उन्होंने कहा, व्हेन, जब वो छोटे बच्चे थे, जब ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, तब ये सब स्टोरीज जो हैं प्रिंटेड होते थे ऑन पेपर में, उन लोग बता रहे थे, ग्रैंडफादर जो है उनको
टॉमी को बताए थे वो सुनी, वो लिख रही थी ऐसा, दे टर्न द पेज। जब उसने उसने मतलब वे मतलब यहाँ पे मार्गी और टॉमी जब पेजेस टर्न किए तो येलो सुनहरा पेज थोड़ा मुड़ा था, फनी लीड थे वर्स, क्योंकि उनको फनी लग रहा था जो कंप्यूटर में पढ़ती वैसा तो था नहीं। जब आप लोग कोई भी चीज़ अचानक देखेंगे, आप पहली बार देखेंगे जो आप कभी नहीं देखे हैं, तो आपको फनी लगेगा। आपको एलियन आ जाए, कोई सीरियल में एलियन आ जाता, पिक्चर में एलियन आ जाता, आप लोग देखते हैं क्योंकि इसे फनी लगता है, देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे ही उसको वॉल्स भी फनी लग रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि हम लोग में तो ये स्क्रीन पे शो करता है, लेकिन यहाँ पे ये तो क्या है ना, वॉल्स जो ऐसे पेपर में लिखे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। मतलब उन्होंने पहली बार बुक पढ़ा था, वही बुक वही पेज वही वर्ड फिर से लिखे हैं। तो बुक है, बुक में तो बदलेगा नहीं, लेकिन उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे बदलता था। जो कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स तो बदलते रहते थे, लेकिन बुक में कभी नहीं बदल सकता ना वर्ड्स। तो उन्होंने ये खराब लग रहा था उनको, बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स लग रहा था। तो टॉमी ने सर क्या व्हाट अ वेस्ट, ये खराब है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो, इसको निकाल फेंको। आई गेस मेरे हिसाब से खराब, इसको निकाल फेंको। आवर टेलीविजन हैड ए मिलियन बुक्स, टॉमी ने कहा कि टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे मिलियंस बुक्स हैं, प्लेंटी इससे कहीं ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंक सकता। हमारे बुक से कितना अच्छा बुक है, हमारा बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है। सेम विथ माइन, मतलब मार्गी का भी यही थॉट था। मार्गी जो थी 11 ईयर ओल्ड गर्ल थी एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स As Tommy had, he was 13. Telebooks, उन लोग वही बुक्स को कहते हैं जो मतलब जो पास्ट में बुक्स थी उसको टेलीबुक्स कहती थी मार्गी। यू अंडरस्टैंड, मतलब हम लोग बुक्स कहते हैं, उन लोग टेलीबुक्स कहते थे। सी सेड वेल डिड यू फाइंड इट, तुम कहाँ से आए हो इसको, तुम कहाँ से इसको लाए हो। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. क्योंकि ये खराब है, busy reading है, एकदम बेकार है। In the attic, attic मतलब ए space just before the roof used as a storeroom. मतलब वो attic की तरह है, मतलब attic में मतलब storeroom में वो पाया था ये book को, वो रखा था मतलब उसके स्टोर में। व्हाट इट अबाउट स्कूल, उसने पूछा। तो मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मतलब उसने कहा वर्थलेस, एकदम खराब स्कूल, एकदम खराब है। व्हाट डू यू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, क्या लिख सकते स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल, मुझे हेट एकदम पसंद ही नहीं आया स्कूल। आई मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा हेट करती थी स्कूल से। बट नाउ सी हेटेड इन मोर देन एवर, मतलब वो मैकेनिकल टीचर से बहुत ज़्यादा हेट करती थी क्योंकि वो हमेशा उसको टेस्ट जियोग्राफी का देते थे। मतलब एक टेस्ट हुआ जियोग्राफी का, एक टेस्ट हुआ फिर टेस्ट 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 देते रहते थे। रोबोटिक टीचर थे ना, मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट था वो, उसको बार बार टेस्ट जियोग्राफी में ही देता था। अब वो जो है जियोग्राफी सब्जेक्ट में एकदम खराब, एकदम 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 खराब थी। अंटिल हर मदर हैड सेकेंड, उसकी मदर सेकेंड हुई, विचलित हुई और दुखी होने लगी, तो जो रोबोटिक टीचर था मैकेनिकल टीचर था उसको काउंटिंग इंस्पेक्टर को दे थी। जैसे हम लोग जो
हम लोग का कोई चीज़ ख़राब हो जाता है तो हम लोग जाते हैं मैकेनिक को देते हैं, हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया तो साइबर कैफ़े में जाएंगे, नेट की प्रॉब्लम है तो साइबर कैफ़े में जाएंगे। वैसे ही उसकी मदर जो थी वो काउंटिंग इंस्पेक्टर को दे दी, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है, कहीं इसके अंदर गड़बड़ी चल रही है, इसीलिए वो दे दी। तो इस वाले पार्ट में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे देखेंगे काउंटिंग इंस्पेक्टर ने क्या किया, वो किस टाइप का था, वो बहुत ही ज़्यादा रेड फेस का था, वो राउंड राउंड था, आगे लोग ने डायर्स थे उसके अंदर, बॉस थे, वायर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्माइल करता था मार्गी की तरफ, तो ये सब जानकारी, और इंस्पेक्टर कैसा था, और फनी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कि ज़्यादा आप लोग बोल ना हो ये स्टोरी से, तो इसी को अभी हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, और अगले वाले पार्ट में इसका हम पार्ट पढ़ेंगे 4, 5, 6, 7। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो का जितना नेशन अच्छा लगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इफ़ आई मेक इस मैं बनाऊँ इसका दूसरा पार्ट वो आप तक पहुंच सके और आप इसको इंजॉय कर सकते एज अ स्टोरी, एज अ स्टोरी आप लोग इसको इंजॉय कर सके। तो मेरी सजेशन में है आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ना करिए करिए कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।